हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमिताभ, देख रहे हैं डेली ऑटो लाइफ। आपने बहुत सारी ट्रिक्स देखी होंगी कि आप गाड़ी चला रहे हैं, आपको बैक करनी है तो शीशा यहाँ पर होना चाहिए, ये आईडी आप यहाँ पर लगा लीजिए तो आपकी गाड़ी आराम से बैक हो जाएगी। आपको सामने पार्किंग में गाड़ी लगानी है तो आपका जो साइड वाला शीशा है इसके साथ अलाइन हो जाए तब आपकी गाड़ी जो है सही पार्क हो जाएगी। या आप चला रहे हैं लेफ्ट साइड जजमेंट कैसे करें, राइट साइड जजमेंट कैसे करें, गाड़ी के सेंटर को यहाँ पर देख लीजिए, पहिए कहाँ पर हो, कैसे आप जजमेंट कर सकते हैं, काफ़ी सारे जो ट्रिक्स हैं टिप्स हैं वो हमें देखने को मिल जाते हैं। तो आज उनकी ना थोड़ा सच्चाई का पता करते हैं, क्या वो सभी गाड़ियों में एक जैसा काम करते हैं या जो पर्टिकुलर बताया जाता है वो उसी गाड़ी में काम करते हैं। मैं अगर टाटा नेक्सॉन के साथ आपको कुछ बता रहा हूँ तो क्या वो मारुति में भी काम करेगा, क्या ब्रेजा में काम करेगा, छोटी गाड़ी, बड़ी गाड़ी, लंबी गाड़ी, छोटी गाड़ी, ऊंची गाड़ी, नीची गाड़ी, क्या सब में वो सेम ऐसे ही काम करता है क्या? तो कुछ ट्रिक्स जो मेरे को पता है उनकी बात करते हैं, करके देखते हैं क्या वो वाकई काम आती हैं या हम पर्टिकुलर अपनी एक गाड़ी के कुछ रेफरेंस पॉइंट बना सकते हैं, उनके हिसाब से चलेंगे तभी हमें फ़ायदा होगा। चलिए गाड़ी के अंदर चलते हैं, वहीं से आगे आपको बताया जाएगा। अब सबसे पहले आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि हमें लेफ़्ट साइड का कैसे जजमेंट हो, कहाँ पर हमारा टायर है लेफ़्ट वाला, अक्सर आपने सुना होगा, या अगर आपने नहीं सुना तो मैं बता देता हूँ क्या ट्रिक जो है वो बताई जाती है, जो हमारी गाड़ी का सेंटर पॉइंट है। अब किसी की गाड़ी में कुछ है, मेरी गाड़ी में एक वो सेंसर लगा हुआ है एसी के लिए, ये वाला जो सेंसर है ये आप देख रहे हैं ना, ये वाला, ये तो ये मेरी गाड़ी का सेंटर पॉइंट है, मुझे पता है। अब अक्सर बोला ये जाता है कि जहाँ पर आपकी गाड़ी का ये सेंटर पॉइंट है ये वाला, वहीं पर आपका जो वो लेफ़्ट में जो सामने वाला पहिया होता ना वो यहाँ पर मतलब इस वाली लाइन पर कहीं ना कहीं ज़रूर होगा। मैं कोशिश करता हूँ ये इस जो ये आप घास देख रहे हैं ना इसके साथ अलाइन करता हूँ इसको, जी हाँ अब ये बिल्कुल अलाइन हो गया है। अगर वो सब सच बोल रहे हैं तो जो मेरा लेफ़्ट साइड वाला पहिया है वो वहाँ कहीं नहीं, वो इस वाली घास पर होना चाहिए, ये बिल्कुल मेरे सामने जो है ये कैमरा है तो यहाँ पर वो होना चाहिए। अभी मैं आपको उतर के दिखा देता हूँ क्या वो ऐसा ही है या नहीं है। अभी देखते हैं, ये आ गया हमारा पहिया बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर हमारी घास दिख रही है उसके पास ही हमें हमारा पहिया बिल्कुल इसी टाइप से अलाइन है। तो इससे ये चीज़ तो जो है हमारी प्रूव हो गई है, आपकी गाड़ी का जो भी सेंटर पॉइंट है, या तो अगर आपको कोई भी सेंटर पॉइंट यहाँ पर आपको दिख रहा है ना, अगर आपकी गाड़ी में कोई भी सेंटर पॉइंट नहीं है तो वहाँ पर आप एक मार्किंग कर सकते हैं, कोई एक टेप चिपका सकते हैं, कुछ भी है उससे आपको हमेशा आइडिया रहेगा कि जहाँ पर आपको अपनी सीट से बैठकर दिख रहा है ना वहाँ पर आपका लेफ़्ट वाला पहिया हमेशा रहता है। ये काफ़ी सारी गाड़ियों में मैंने ट्राई भी किया है, लगभग सभी गाड़ियों में ये वाली ट्रिक काम करती है, लेफ़्ट साइड का जजमेंट बहुत बढ़िया रहता है। ये हो गया पास, नेक्स्ट ट्रिक देखते हैं क्या है और वो सच है या नहीं है। आइए, नेक्स्ट जो हमारी ट्रिक बताई जाती है वो है गाड़ी को पार्किंग को लेकर। हमें टाइट स्पेस में पार्क करना होता है, सामने हमारी दीवार है, हमें ये नहीं पता होता यार हमारी गाड़ी टकरा जाएगी नहीं टकरा जाएगी, हम अकेले रहते हैं, या सेम केस हमारा पीछे के लिए भी होता है, आप पीछे दीवार देख रहे होंगे इस शीशे में से, तो अभी हम गाड़ी पीछे करेंगे। इसके लिए ट्रिक क्या बताई जाती है, आपको अपनी जो गाड़ी का ये वाला जो शीशा है ना, ये वाला जो ORVM है, इसको अपनी मतलब पहले आपको बैठना है अपनी सीट पर जैसे आप बैठे हैं, इसको इस तरीके से एडजस्ट करना है नीचे की तरफ कि जो ये हमारा सामने वाला ये आप हैंडल देख रहे हैं ना बाहर से जो हम खींचते हैं ये हमें पूरा दिखने लग जाए, इससे ज़्यादा भी ना दिखे, इतना भी ना दिखे और इससे कम मतलब आधा भी ना दिखे, आपको इतना दिख जाए। मैं अपने लेवल पर ले आता हूँ इसको, अब मुझे ये बिल्कुल ऐसा ही दिख रहा है। अब इसमें बोला ये जाता है कि जब आपका ये हैंडल बिल्कुल बीच में आ जाए इस लाइन के, जब आप बैक करेंगे ये वाला हैंडल यहाँ इस लाइन के बीच में आ जाए तो आप अपनी गाड़ी को रोक दीजिए, आपकी जो पार्किंग है वो बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी, थोड़ी बहुत जो स्पेस है आपकी गाड़ी में बची रहेगी दीवार के बीच में। तो हमने पीछे चलना शुरू कर दिया है और वहाँ जाके मैं रोक दूंगा, देखते हैं कितना क्या है क्या नहीं है, अपने हिसाब से मुझे डर लग रहा है क्योंकि दीवार थोड़ी नज़दीक, ये देखिए ये हम जस्ट इसके बीच में आ चुके हैं, आपको दिखा देता हूँ ये रहा, ठीक है हैंडल के जस्ट बीच में है। तो यहाँ पर आप स्पेस देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा जो है मेरे को लग रहा है ये स्पेस छोड़ दिया है, जिस तरीके की हम पार्किंग करते हैं ना इंडिया में इतना ज़्यादा स्पेस नहीं, ये कामयाब नहीं है। हमारी गाड़ी जहाँ पर मैं खड़ा हूँ एटलीस्ट यहाँ तक आने चाहिए, उसके बाद इतना सा स्पेस काफ़ी रहता है जिस टाइप की हमारी पार्किंग होती है। तो मेरे हिसाब से इसमें हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा ये हैंडल आप देख रहे हैं ना हमने अभी किया था वो बीच में, ठीक है हम गाड़ी को थोड़ा सा और पीछे करें और सामने वाला हैंडल जब पूरा अलाइन हो जाता है ना इसके साथ तब हमारी गाड़ी की पार्किंग जो है यहाँ तक आ जाएगी। तो जो ये वाली ट्रिक है ये कहीं कहीं ठीक भी है क्योंकि हमारी गाड़ी टकराई नहीं है, लेकिन थोड़ी ख़राब भी है क्योंकि इतनी ज़्यादा पार्किंग स्पेस हम कभी नहीं छोड़ते। सामने पार्किंग करने के लिए ट्रिक बताई जाती है जो हमारा ORVM है,
इसके जो बीच वाला शीशा है ना, ये ही हिलता है, उससे हमें कोई कुछ भी नहीं लेना देना, वो कहीं पर भी हो। जो हमारी ये ORVM की ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन, अगर ये वाली लाइन वहाँ पर उसके साथ नीचे अलाइन हो जाती है तो बोलते हैं कि हमारी गाड़ी में इतना स्पेस रह जाएगा, मतलब उसको सेफ माना जाता है। गाड़ी हम चलाते हैं आगे और इस वाली जो ये वाली लाइन है, इसको हम अलाइन करेंगे, आपको पता लग जाएगा मैं कौन सी बात कर रहा हूँ। ये हम धीरे धीरे चल रहे हैं आगे और मुझे लग रहा है डर, ये आप देख रहे हैं ना, ये हो गया लाइन। अब देखते हैं सामने कितना स्पेस बचा हुआ है, यहाँ पर भी ज़्यादा स्पेस तो नहीं बचा है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर भी मेरे को देखने में लग रहा है कि स्पेस गाड़ी ने ज़्यादा छोड़ दिया है, इतना स्पेस क्या करेंगे, मतलब इतने स्पेस में तो ना कोई आराम से अपनी एक बाइक भी लगा कर जा सकता है। हमारी गाड़ी एटलीस्ट यहाँ तक आ जानी चाहिए, कोई ऐसी ट्रिक हो हमारी गाड़ी यहाँ तक आ जाए, इतना इतना स्पेस ना है इंडिया के हिसाब से तो बहुत है यार। और बहुत सारी जगह पर तो इतनी टाइट पार्किंग होती है कि एक गाड़ी यहाँ तो दूसरी गाड़ी का बम्पर यहाँ होता है, ठीक है। तो ये ट्रिक मेरे हिसाब से, पीछे वाली भी सामने वाली भी, उन्होंने तरीका तो बता दिया है, आप अपनी गाड़ी के हिसाब से ना इसको थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं, कौन सा रेफरेंस पॉइंट आप ले रहे हैं, लेकिन सिर्फ वो शीशे के हिसाब से हर एक गाड़ी में ये ट्रिक काम नहीं करती है। अब नेक्स्ट ट्रिक की हम बात कर लेते हैं, उस पर भी चलेंगे। हमारे सामने ना एक गाड़ी खड़ी है, पार्किंग में ही खड़ी है, या हमें एक गाड़ी खड़ी है, हमें लगानी है अपनी गाड़ी है पार्किंग में। अब पार्किंग में हम उस गाड़ी से कितना पीछे लगाएं ताकि हमारी गाड़ी आराम से निकल जाए, उस गाड़ी को टकराए ना, या आप समझ गए होंगे। अब मेरे को ये गाड़ी मोड़नी है तो आराम से मैं इसको ऐसे मोड़ कर और ले जाऊं, मेरी गाड़ी टकराए ना, आगे पीछे ना करनी पड़े, वो कितना सेफ डिस्टेंस रहता है, तो उसको किस तरीके से बताया जाता है कि आप ऐसे मेजर कर सकते हैं और क्या वो चीज़ काम करती है नहीं करती है, चलिए उसको भी देख लेते हैं। तो अक्सर बोला क्या जाता है, हमारी गाड़ी का जो ये वाला हिस्सा है जो आपको दिख रहा है, और सामने वाली गाड़ी का जो बम्पर का बिल्कुल ऊपर वाला हिस्सा है ना, इन दोनों को आप अलाइन कर लो। वो किस तरीके से अलाइन कर लो, ये हमने गाड़ी चलाई और ये दोनों अलाइन हो गए। अब बोल रहे हैं यहाँ पर आप अपनी गाड़ी को रोक दीजिए, अब दोनों गाड़ियों के बीच में इतना स्पेस है, देखिए यहाँ से तो कुछ दिख नहीं रहा है, अगर आपको कैमरा ऊपर करके दिखाऊं तो अब आपको शायद जगह दिख रही है, लेकिन हम ऐसे तो नहीं चल सकते ना, हम तो अपनी जगह पर बैठकर ये वाली जो चीज़ है ये अलाइन हो गई है। अब बोल रहे हैं कि आपको या तो उधर निकलना है तो उधर भी आप निकल सकते हैं, इधर निकलना है आपको गाड़ी को टर्न करके तो आप इधर भी निकल सकते हैं, आपकी गाड़ी जो है सामने वाली गाड़ी से टच नहीं होगी। तो चलिए वो भी करके देख लेते हैं। गाड़ी मैंने यहाँ पर एक किस्म से पार्क कर दी है, ये हमने पूरा स्टेयरिंग उधर काट दिया है और हम चल पड़े हैं धीरे धीरे। देखिए इतना लगेगा आपको कि गाड़ी टकरा रही है, लेकिन गाड़ी जो है बिल्कुल आराम से निकल गई है, ये चीज़ बिल्कुल परफेक्टली काम करती है, इसमें हमें कोई भी दिक्कत नहीं है, ये वाले ट्रिक कामयाब हमारे लिए। तो आज के लिए हमें ये चार ट्रिक देखनी थी, इस टाइप की और भी ट्रिक्स हम लाते रहेंगे, कुछ ना कुछ है, क्या उनकी सच्चाई है क्या उनकी सच्चाई नहीं है, सब कुछ आपको पता रहेगा। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, इस वीडियो में कमेंट भी कर देना है आपके क्या थॉट्स हैं इसके बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, बाय बाय।